तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवल के बारे में। भी एक मूवी देखी थी नया चैपिक में, चाहे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाए, आइए नौकर जाए, चाहे कॉमेडी और क्राइम जाए, ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। और ये जो मूवी है वो लगभग चाहे 1 घंटे 40 मिनट के आस पास है। इसमें की अगर स्टोरी लाइन के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत में दिखा दें कि ड्रग डील चल रही होती है उसकी, और कुछ पुलिस वाले जो है ड्रग डील पर जो है रेड मार देते हैं। और जब ड्रग डीलर पर जब रेड पड़ गई तो कुछ पुलिस वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो है साइलेंट ड्रग्स नहीं है। उसके बाद जो भी दिखाते हैं कि बाकी के जो ड्रग्स होते हैं वो एक कार में होते हैं, उस कार के पास जो एक आदमी खड़ा होता है। उसके बाद जो हमें एक तीसरी पार्टी दिखाते हैं, ये तीसरी पार्टी होता है ये सारे ड्रग्स लेके जो है वहाँ से जा रहा होता है। उसी समय जो एक आदमी जो है उसके फ़ोन से जो है वीडियो वीडियो बना लेता था। उसके बाद जो है वो जो बंदा जो ड्रग ले जा रहा था वो उस आदमी को देख लेता है, और वो जो आदमी था जो कि इसके फोन से जो वीडियो बनी हुई थी वो जो है भागता है डर के मारे। उसके बाद हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो कि एक वीडियो गेम खेल रहा होता है, एक प्लेन वाला गेम होता है वो खेल रहा था। उसके बाद जो उसकी एक बेटी वगैरह होती है, उसका बेटी का जो बर्थडे जो आ रहा होता है, उसकी बेटी जो अपने बर्थडे पर जो अपने डैड से जो है हॉट वॉट मांगते। उसके बाद जो हमें दिखा दें कि हमारा जो इसमें मेन कैरेक्टर है उसका जो रिवॉर्ज हुआ होता है। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, उसे जो है जॉब वॉब चाहिए होती है, उसे किसी वाला जो है ऐसे की जरूरत होती है। उसके बाद जो उसे एक जॉब भी मिलती है, एक स्टोर में जॉब का काम मतलब मिलता है। उसके बाद हमें दिखा दी कि वो एक लड़की को हेडफोन वगैरह दिलाता है। उसके बाद उसे एक स्टोर में जाए, उसके स्टोर में जाए एक ऑर्डर वाडर आता है। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है उस घर में जाता है, उस घर में जाने के बाद जो है वो एक टी वी लगाता है। उसके बाद जो है टी वी इंस्टॉल करता है तो दीवार पर टी वी लगाता है। अब जो ये घर होता है ये उसी बंदे का घर होता है जिस बंदे ने जो वीडियो बनाई थी। अब जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है हेडफोन लगा के जो है टी वी भी लगा रहा था, उसके गाने वाने सुन रहा होता है। इसी के बीच वो जो बंदा होता है वो अपने घर में आता है। उसके बाद जो है वो उसके पीछे जो बंदा पड़ा था वो बंदा जो है मार देता है। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो जाके कुछ देर बाद उसे आवाज़ नहीं देते, जब वो उसके पास जाता तो वो घबराया हुआ होता है क्योंकि उस बंदे का खून जो है और वो बंदा जो मरने से पहले जो यही कह रहा था कि मेरा खून। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है जिस चीज़ से उस बंदे का खून वून हुआ था, उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है उस चीज़ को जो है पकड़ लेता है। उसके बाद जो है जिस बंदे ने उसे मारा था वो हमारे मेन कैरेक्टर को जो है व्यूज व्यूज कर देता। उसके बाद जो बंदे की वाइफ जो वो घर के अंदर आती है, उसके बाद जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ मारता है कुछ समझ में। उसके बाद जो पुलिस पुलिस आ जाते हैं, जो हमारा मेन कैरेक्टर है पूछता जो है चलते अपने हमारा मेन कैरेक्टर है उसको जो है वकीलों के लिए जाना था गवर्नमेंट वकील जो दिया जाता। उसके बाद जब हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो पुलिस स्टेशन में ही होता है। उसके बाद उसकी गवाही गवाही लेने के बाद जब हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसे लगता है कि उसी है कुछ भी नहीं होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका उल्टा होता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात कर जाए पुलिस भी भरोसा नहीं करती। अब जो कोर्ट में उसका केस जो जाता है उसको 18 साल की जो है जेल सुना दी जाती है। उसके बाद जो उसकी अपील भी जो है रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कि 18 साल से जो जेल के अंदर रहना होगा। उसके बाद जो हमें दिखाते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है जेल के अंदर आ चुका है। जेल के अंदर आने के बाद जो उसकी कुछ फाइट फाइट होती है दो बंदे के आपस में, भी दो बंदे होते हैं कुछ लोगों ने जो टनल बना रखी होती है जेल से बाहर निकलने के लिए, फिर सबके जेल ब्रेक करने का इन लोगों का प्लान होता है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे भी वो टनल जो है मिल जाती है। उसके बाद जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो खुद ही उस टनल को यूज़ करके जो है फोन वोन वगैरह जो है ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से जो है वो शायद जो जेल से जो बाहर निकल पाए। उसके बाद जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो वाइफ से मिलता है, उसकी वाइफ को जो यकीन दिलाता जो बंदा जो मर गया है उसकी वाइफ से जाके मिलता है, उसको जो यकीन वकीन दिला रहा है कि मैंने उसका खून वोन नहीं किया, मैंने उसकी खून को पकड़ने के लिए आया। उसके बाद जब जो मेन कैरेक्टर है उसे एक नंबर दे के जो है वापिस जो है जेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो हमें ये दिखाते हैं कि जिन बंदों ने जो है टनल वनल बनाई थी उन बंदों को जो पता लग जाता है। उसके बाद जो वो हमारे मेन कैरेक्टर है मुझे वॉशिंग मशीन के अंदर बंद करके जो है घुमाया था। उसके बाद जो उन लोगों को जो एक पायलट की जो है ज़रूरत होती है। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये लोग जो होते जो पायलट की तरह जो है देखते हैं, पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जो एक पायलट नहीं है, वो जो एक गेम वेम वगैरह जो खेलता वेलता है। तो आधे घंटे की स्टोरी लाइन में जो हमें ये सब जो दिखाया गया है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जेल से बाहर निकल पाएगा या नहीं, इन सारी बातों को जानने के लिए तुम लोगों को जो है इस मूवी को जो है देखना पड़ेगा। तो और देखना चाहो तो देख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, देखना देखो नहीं देखना मत देखो। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब।